有吗？हेलो दोस्तों, मुझसे बहुत लोगों ने कमेंट करके कहा था कि इस दीपावली में रॉकेट बना के दिखाओ, तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये बहुत ही मज़ेदार वीडियो है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, रॉकेट बनाने के लिए आपके पास ये एल्युमिनियम का फॉयल होना चाहिए और ये माचिस होना चाहिए। आप कोई सा भी माचिस ले सकते हैं। और दोस्तों, ये आपके पास साइकिल की तीली होनी चाहिए, आपको ये किसी भी साइकिल की दुकान पे मिल जाएगा। तो चलिए अब हम रॉकेट बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए, इस एल्युमिनियम के फॉयल को हम इस तरह से चाकोर काट लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, अब हम इस एल्युमिनियम के फॉयल को काट लिए हैं इस तरह से, और अब हम इस एल्युमिनियम के फॉयल को इधर से काट लेंगे थोड़ा चाकू। ये देखिए, और इस साइड का हम काट लेंगे, और हम इसी तरह से कई सारा काट लेंगे जिससे कि हम कई सारा रॉकेट बना पाएं। तो ये देखिए, हमने कई सारा काट लिया है एक ही साइज का। तो चलिए अब हम इस रॉकेट को बैलेंस रखने के लिए पीछे का टेल बनाते हैं। तो वो बनाने के लिए आप इस एल्युमिनियम के फॉयल को इस तरह से साइड से मोड़ लीजिए, और इसके बाद इधर से इस तरह काट लीजिए। तो ये देखिए दोस्तों, ये पूरा चाकोर हो गया, और अब हम इसके विपरीत दिशा से मोड़ लेंगे। ये देखिए, ये अब हमारा त्रिभुज बन गया है, और अब हम इसको दबाते हुए खोलेंगे चारों तरफ से इस तरह से। देखिए, दबाते हुए, तो ये अब हमारा टेल बन गया है। ये देखिए दोस्तों, अब हमारा टेल बन गया है, और अब हम ऊपर से इसको थोड़ा सा काट देंगे जिससे कि हम इसमें रॉकेट घुसा पाएं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा टेल बन गया है, और इसी तरह से हम कई सारा बना लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने कई सारा टेल बना लिया है। तो चलिए अब हम रॉकेट बनाते हैं। रॉकेट बनाने के लिए अब हम इसे कटे हुए एल्युमिनियम के फॉयल को, फॉयल के ऊपर हम इस माचिस की तीली को लगाएंगे। चलिए दोस्तों, हम बस दो माचिस की तीली का यूज करेंगे, और अब हम इस माचिस की तीली का मसाला इस तरह से हम काट लेंगे, और तीली अलग कर लिए हैं। तो चलिए अब हम इस माचिस को एल्युमिनियम के फॉयल में लगाते हैं। लगाने से पहले ये साइकिल की तीली को और मोड़ लेंगे इस तरह से। और अब हम इसमें माचिस की तीली को बीचों बीच रख लेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम इसे माचिस की तीली लगा के गोल लपेट लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने गोल इसको लपेट लिया है, और अब हम माचिस की तीली निकाल लेंगे और साइकिल की तीली लगाकर चेक करेंगे कि हमारा साइकिल का तीली आराम से घुस जा रहा है और निकल जा रहा है ना। तो चलिए अब आगे से हम इसको मोड़ लेते हैं अच्छे तरीके से। हम आगे से इसे बहुत ही अच्छे तरीके से मोड़ेंगे, नहीं तो फिर सारा मसाला आगे से निकल जाएगा और ये रॉकेट उड़ेगा नहीं। तो ये देखिए, अब हमारा रॉकेट पूरा अच्छे से बन गया है। ये देखिए, अब हमारा रॉकेट बन गया है, और अब हम इसमें इस तरह से नीचे की ओर टेल लगा लेंगे जिससे कि अब हमारा रॉकेट उड़े तो बैलेंस रहे। ये देखिए, तो चलिए अब हम इसी तरह से कई सारे रॉकेट बना लेंगे और सबको एक साथ चला के देखेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने 7 रॉकेट बना लिया है, और अब हम इसे जला कर देखेंगे कि ये जलता है कि नहीं। तो चलिए, जलाने से पहले हम पहले लॉन्चर बना लेते हैं।
तो लॉन्चर बनाने के लिए आप हम दो ईटा में इस तरह से साइकिल की तीली को फंसा लेंगे। और ये देखिए अब हमारा लॉन्चर भी बन गया है। चलिए अब हम इसमें रॉकेट लगा के देखते हैं। चलिए ये रॉकेट को लगा के देखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों हमने रॉकेट को भी लगा लिया है और अब हम जलाकर देखेंगे। तो ये देखिए दोस्तों हमारा रॉकेट बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है और ये बहुत ही दूर जाके गिर रहा है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और अगर आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। मैं हमेशा ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूँ।